हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और अभी आपका भाई बाहर इंट्रो कर रहा है क्योंकि मैं बाहर निकला था नाश्ता वगैरह लेने के लिए। मौसम आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा हो रहा है। ये सर जो है अभी आपका भाई बाहर इंट्रो कर रहा है। सो भाई, इस व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं और अभी चलते हैं नाश्ता वगैरह लेने। सो फिर सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। घर पे आ गए थे फाइनली नाश्ता वगैरह लेके, तो अभी फटाफट से बनाता हूँ मैं कॉफ़ी वगैरह। और गैस वगैरह के चक्कर में लंबी होती है, तो जो है आप डायरेक्ट मिलते हैं नाश्ते पर ही। अभी नाश्ता वगैरह बना लिया आपके भाई ने और आज जल्दी बन गई कॉफ़ी। 10:30 हो रहे थे और मैं जब घर पे आया था तो 10:20 हो रहे थे, 10 मिनट में कॉफ़ी बन गई, यानी सही बन गई। सो कॉफ़ी वगैरह और आज खाने में डबल रोटी, नाश्ते में वही डेली रूटीन आपके भाई की डबल रोटी। सो आज जुम्मे का भी दिन है तो अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर जुम्मे की तैयारी करते हैं, नमाज़ के टाइम पे होता है। भाई हुआ रेडी, उठ के नहा धो के, और आज जुम्मे का दिन है तो जुम्मे की नमाज़ का भी टाइम हो रहा है। नाखून वगैरह काट लिए थे, नहा धो के रेडी हो चुके हैं। सो अभी बज रहा है 1:05 और मेरे जो घर के करीब मस्जिद है वहाँ पर 1:15 बजे जमात होती है, तो अभी फटाफट से निकलते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, फिर आके घर पर देखते हैं। सर्दी बहुत शो वाली लग रही है नहाने के बाद, आज ज़्यादा सर्दी लग रही है क्योंकि आदत है बस ठंड गर्म पानी वानी नहीं करते हम लोग, ऐसे ही नहा लेते हैं। तो अब जो ठंड लग रही है बड़ी शो वाली, सभी खैर नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो भाई यहाँ पे अपन निकल चुके हैं नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और अच्छा मौसम है काफ़ी। सो नमाज वगैरह पढ़ते हैं फिर देखते हैं। हमारे बच्चे से सुन लीजिए, मैं खुल कर कहता कि कुरान हकीम जब पढ़ते हैं बच्चे पे आ चुके हैं नमाज वगैरह पढ़ के, गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही, अभी मैंने चेक करी थी। सो अब गैस का इंतजार करना पड़ेगा, चाय पीनी है यार, सर्दी लग रही है बड़ी शो वाली। देखते हैं चाय पीते हैं या कॉफ़ी और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में जब गैस आती है। तो जब तक व्लॉग मैं एडिट कर लेता हूँ, अभी 2:45 हो रहे हैं और आपका जुम्मा पढ़ के फारिग हो गया है। सो व्लॉग वगैरह एडिट करते हैं फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ये इतना ख़राबा करने के बाद भाई ये एक कप चाय बनी है, चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा था। सो इतना जलाले जरूर के बाद एक कप चाय मिली है, अभी पीते हैं चाय वगैरह और धुआं अगर लग रहा हो तो इसी वजह से। सो चाय वगैरह पीते हैं फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। आपका भाई हो चुका रेडी और चलते हैं अभी ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के लिए। 4:15 का टाइम हो रहा है तो मैं जल्दी आजकल इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि ऑफिस वगैरह जा नहीं रहा, तो ये है कि शाम में फिर टाइम मिल जाता है। तो अभी चलते हैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के लिए, फिर वहाँ पर ही मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। A few moments later. पहले मैच वगैरह खेलने आ गए और व्यू आप लोग चेक कर सकते हो, कहता प्यारा आ रहा है, पूरा शो वाला व्यू आ रहा है, ये चेक करो आप। ये पूरा ये उजैफा भाई खड़े हो रहे हैं, दिल गार्डन गार्डन सा हो रहा है यार व्यू देख के, बोल शो वाला ना। यहाँ पे मैच वगैरह चल रहा है और हम लोग भी मैच खेलने ही आए, तो अभी देखते हैं क्या सीन है, अभी शूट वगैरह करते हैं। मैच खत्म करवाना है मैच वगैरह खेलने शुरू होगा। ये मेरी टीम है, चारों हमारी टीम के, उजैफा अपना इरफान, उजैफा और अब्दुल्ला, दो उजैफा है हमारे पास और एक बॉलिंग में अच्छा है और एक बैटिंग में अच्छा है। सो यार अभी बैटिंग वगैरह हम लोग की, उजैफा ओपनिंग कर रहा है और रनर शायद मैं जाऊँ। सो अभी जो है मैच तो यार अभी इनिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। सही है, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कौन जीतता है। अभी अभी मैं आया था ट्यूशन पढ़ा के घर, पापा भी आ चुके हैं घर पे, यानी मैं काफ़ी टाइम पहले आया था, 9:15 हो रहे हैं अभी। आप अभी आ चुके हैं ऑफिस से और कहा पहले के आए हुए, और मैं भी काफ़ी टाइम पहले आया था लेकिन मोबाइल चार्ज हो रहा था व्लॉग अपलोड होने के बाद। सो अभी चलते हैं यार, एक जगह जाना है उजैफा भाई के साथ, उजैफा मैं और एक दोस्त है अब्दुल्ला, तो हम लोगों को जाना था एक लोकेशन पे, तो वहीं चलते हैं, वहीं पर फिर आप लोगों से मिलते हैं। फाइनली गली वगैरह पर पहुँच चुके हैं और अभी उजैफा ये लोग आ रहे हैं और आपका भाई खड़ा हुआ है, पूरी गली में अंधेरा अंधेरा हो रहा है, फुल शो वाली ठंड हो रही है यार। और आसिफ की तरफ जाना है अभी लोकेशन पर, टॉप एक्सप्रेस की तरफ निकलेंगे, तो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, पूरी गली में सन्नाटा हो रहा है यार। उजैफा भी ये लोग आए नहीं है, तो ये लोग आते हैं तो फिर मिलते हैं। तो यार अभी हम लोग रुके थे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल वेट्रोल डलवाने के लिए, उजैफा गया हुआ आगे पेट्रोल डलवाने के लिए और साकिब और मैं यहीं खड़े हैं, अभी इसके पास ही चलते हैं करीब इसके, फिर पेट्रोल डलवा के फिर निकलते हैं लोकेशन की तरफ, यानी रास्ते की तरफ, PSO के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवा के अब निकलते हैं यार लोकेशन की तरफ।
फाइनली हम लोग ढाबा एक्सप्रेस पहुंच चुके हैं और ये है फैमिली एरिया जो मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को नहीं दिखाया था। ये आप लोग देख सकते हो, ये फैमिली की सिटिंग एरिया, ये उज़ैफा भाई हमारे, ये अब्दुल्ला, ये देखो ये पूरा कवर करा हुआ है यहाँ से। और उस तरफ हम लोग सारे यानी लड़के वगैरह जो आते हैं वहाँ बैठते। सुबह यही थी हमारी लोकेशन ढाबा एक्सप्रेस की। किसी को झांकना ऊपर यहाँ, किसी को हाथ झांकना छाड़ेबाजी के लिए, देख लो घर वर बने हुए, लेकिन थोड़ी सी एहतियात है, सेफ्टी है। सो अभी हम लोग भी इजाज़त लेकर यहाँ पर आए व्लॉग व्लॉग बनाने के लिए, भी मैंने बोला था कि भाई मुझे यहाँ पे वीडियो दिखानी है। सो जो है अभी फैमिली वगैरह बैठी हुई नहीं थी, तो मैं यहाँ पर जो है इजाज़त लेकर आया था कि जो है इजाज़त वगैरह लेकर आया था। तो अभी जो है चलते हैं, फैमिली आ रही है वगैरह। और ये अब्दुल्ला और जफा बैठे हुए, ये पूरी लोकेशन है, पूरा होटल है ये जो बैठा हुआ है। और ये सिगरेट के एस्ट्रे वगैरह इन्होंने रखे होते हैं, हर टेबल पे लूडो प्रिंट हुआ हुआ होता है ढाबा एक्सप्रेस वालों का, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। ये देखो पूरा लाल ब्लू येलो, ये हर टेबल पे हुआ है। ये देखो उस टेबल पे भी है, उस टेबल पे भी है, इस टेबल पे भी है, उस टेबल पे भी है, सब टेबलों पे ये प्रिंट हुआ होता है। अभी कुछ मंगाते हैं ऑर्डर वगैरह। ये लोकेशन देख सकते हो बाहर वगैरह की, उस तरफ भी सिटिंग है पीछे की तरफ। और जो अभी गोटे वगैरह मंगाई, तो यार हम लोग यहाँ पहुँच गए थे और जैसे पहले की तरह हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं वाले होटल पे भी, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने लूडो वगैरह लगा लिया है, लूडो वगैरह खेलते हैं यहाँ पे। और यहाँ की हर टेबल पे, मैंने जैसे आप लोगों को पहले व्लॉग में ही बताया था कि यहाँ की हर टेबल पर लूडो प्रिंट हुआ हुआ था, हर टेबल पर। और जो है हर किसी को गोटे वोटे सब चीज़ें लोग देते हैं, भले से सारे लोग एक साथ आ जाए या थोड़े थोड़े एक साथ आए, तो ये सबको ऐसे ही देते हैं कि भाई पूरी पूरी गोटे देते हैं ये लोग ना, कि भाई सब खेलते रहें, सब वो करते रहें। तो अभी जो है लूडो वगैरह भी खेलते हैं और आप लोगों को थोड़ा बहुत विज़िट भी करवा देता हूँ मैं होटल वगैरह का। यहाँ पे जो है अंदर ये हर टेबल पे एस्ट्रे वगैरह, हर टेबल पे प्रिंट हुआ हुआ होता है, हर टेबल पे एस्ट्रे भी रखते हैं कि भाई बहुत से लोग जो स्मोकर्स वगैरह हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो नीचे ऐश ना गिराएं भले से ऊपर कर दें। सो अब ये मेन्यू वगैरह आ गया है, मेन्यू वगैरह में हम तो खैर चिकन चीज़ पराठे वगैरह ये सब चीज़ें मंगाते हैं। ये पराठे में आ गया है इसकी चीज़ वगैरह, टॉपिंग बहुत क्लास की करते हैं यार ये लोग, उनकी स्पेशलिटी है। जब मैं यहाँ आता हूँ मैं चिकन चीज़ पराठा खाता हूँ, जबकि मैं इतना हैवी चीज़ें खाता नहीं हूँ, लेकिन ये जो है ना चिकन चीज़, ये लव है यार। सो उज़ैफा भाई ने भी टेस्ट कर लिया, कैसा है उज़ैफा भाई? सो उज़ैफा भाई के मुँह में गर्म गर्म चलाई है। और जो है ये देखो चीज़ किस तरीके से टपक रही है यार, इसमें से बेहतरीन टॉपिंग होती है यार, बेहतरीन। और ये उज़ैफा भाई ने अपने पराठे पे लगा लिए। जो है अभी ये फटाफट से फोड़ते हैं और फिर बोतल का इंतज़ार करते हैं, बोतल भी आ गई है। सो जो है बोतल वगैरह भी पी लेते हैं यार, स्ट्रिंग मैंने पी ली थी आधी, तो मैंने बोला बाद में व्लॉग बनाते हैं, और अभी जो है बाकी चीज़ों की वेटिंग ही चल रही है अभी तक। अभी वेट वगैरह चल रहा है इसका चीज़ों का, और अभी आ भी चुकी हैं, ट्विस्टर रोल भी आ चुका है, और जो है जिंगर वगैरह चिकन चीज़ बर्गर भी आ चुका है। सो जो है अभी फटाफट से खाते पीते हैं, जो है निकलते हैं यहाँ से यार। अब्दुल्ला भाई कैसा है? अब्दुल्ला हम सारे आ चुके हैं पार्किंग में, बाहर निकल गए, बाहर का एरिया सारा सेटिंग का, सो अभी निकलते हैं घर की तरफ। यहाँ व्लॉग व्लॉग बनाऊंगा नहीं रस्ते रस्ते का, अब घर की तरफ ही मिलते हैं। तो यार होटल वगैरह से वहाँ से फारिग होकर अभी हम लोग आए थे पट्टी वगैरह खेलने के लिए, तो उज़ैफा और अब्दुल्ला डबल डबल अभी खेल रहे हैं किसी के साथ, तो ये लोग मैच वगैरह खेल रहे हैं। और आपका भाई बैठा हुआ व्लॉग बना रहा है, भाई क्या करें, व्लॉगर लाइफ ऑफ अ व्लॉगर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो है अभी मैच वगैरह यहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ, घर पर ही मिलते हैं डायरेक्ट यार। पार्किंग में, और अभी अभी घर पर आया था, अभी बज रहे हैं सवा बारह के करीब।